I've fallen in love with I love. I love. Él bole, wow. युद्ध अपने बराबर वालों से किया जाता है कौन तैयार जाओ अपने शिविर लौट जाओ और अपने घावों पर स्नेह लेप लगाओ जाओ आगे चलिए मद्र नरेश क्या तुमने उसे मेरा भांजा समझ के छोड़ दिया अंगराज नहीं मद्र नरेश किंतु बड़े छोटों को डांटते हैं उनका वध नहीं करते आओ मेरे रथ को युधिष्ठिर के रथ की ओर ले चलिए वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा और यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा तुम तो आचार्य द्रोण की सिखलाई हुई शस्त्र कला को बिल्कुल ही भूल चुके हो युधिष्ठिर तो तुमसे मैं क्या युद्ध करूं रथ आगे बढ़ाइए मद्र नरेश मैं तो सोचता हूं अपने रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है चार श्वेत अश्वों वाला रथ उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी और ये सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है तो तुम क्या भयभीत होने लगे अंगराज वो काठ के योद्धा होते हैं मद्र नरेश जो भयभीत नहीं होते
कारण साधारण वाणों के रुके नहीं रुकेगा। आप देख रहे हैं मद्र नरेश, आप सच कहते थे कि अर्जुन फिर अर्जुन है। मेरे वाण चलाने से पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल लेता है, परंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रतिद्वंद्वी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ, दिव्यास्त्र चलाओ। जो आज्ञा केशव। हे ब्राह्मण, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। ओम ब्रह्माय नमः। तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वाणों को रोक लो। क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूं केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ, वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ, कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन, भूल गए वो कुरु राजसभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था, तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति निहत्था भी था। Pitaşri! Pitaşri!
दानवीर का हो गया इस प्रकार बलिदान, पांचों पांडव पा गए जीवन का वरदान।